तो ये है कि मुझे असेंबली पे किसी ने नहीं रोका। ओए वे किड्डी तेज निकली तेरी। काका कहता 2 लाख कहते जी नाल एक मुंडा ले आना है जिन्हें पौड़ी फड़नी होंगी। मैं तू कला ही करते लख देंगी पौड़ी मैं फड़ लग। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਘੈਂਟ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹਸਬੇ ਹਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਐਜ਼ ਫਿਰਦੌਜ਼ ਆਸ਼ਿਕ ਆਵਾਨ ਹਸਬੇ ਹਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਲ ਹਾਲੋ ਬੇਹਾਲ। ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਬਟਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਰੰਗ ਹੈਗਾ ਲਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਸਮਝ ਗਏ? वीडियो करते हैं शुरू बिना किसी देर तो। आज हमने अपने शो में आपकी एक ऐसी पसंदीदा खातून सियासतदान को दावत दी है जिनके लिए इख्तदार मतलब छुपन छुपाई का खेल बन चुका है, कभी अंदर कभी बाहर। और जो आजकल इख्तदार की राहदारियों से जरा बाहर हो चुकी हैं वो तुम्हारा डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहब। अच्छा, मतलब ये रिटायर्ड हो चुके हैं कह रहे हैं शायद, जब तक मैं पता लगा समझ लगा मतलब उर्दू च है ना। सारे की कि लेवल है? हाँ जी। तो लैके दिखाया शायद नहीं खुल के कट ले जड़ियां दंदियां तो कटनी मैं क्यों दंदियां कटूंगा? नहीं, जो हंसी आपके अंदर छुपी हुई है वो निकाल लेना जितनी निकाल सकते। हद हो गई, मुझे इंतहाई अफसोस हुआ है ये सुन के कि आपको आपके ओहदे से हटा दिया गया। अच्छा। तो उस पे आप बिल्लियों उछल रहे हैं बल्कि बिल्लियों नहीं कुत्तियों उछल रहे हैं। यकीन करें डॉक्टर साहब, मैंने तो जब से ये खबर सुनी है मैं तो गम से सरशार हूँ। तेरी सरशारी नजर आई गम नल कौन सरशार होता है जुनैद? वैसे बड़े अफसोस की बात, आप जैसे मीडिया के लोगों ने इसको एक मजाक बना लिया, हालांकि बात ऐसी कोई भी नहीं है। देखिए बात यह है कि मैंने खुद इस्तीफा दिया है। अच्छा। और आप लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि मुझसे इस्तीफा लिया गया है। अच्छा। यकीन माने मैंने अपनी निजी मसरूफियात की वजह से खुद इस्तीफा दिया। निजी मसरूफियात कौन सी थी आपकी? अगे सर्दियां आने वाली ने रजाइया तेरी भूआ ने मैनू भरा के देनी। खवातीन की सबसे बड़ी मसरूफियत सर्दियों में यही होती है कि रजाइयां भरवानी होती है। पर रजाइयों के लिए किसी नौकर को भेज देते? वे खलो जावे भाई पेंजे वाले आ जितनी देर तक खुद सराहने ना खड़े हो ये पेंजे वाले जो होते हैं ये नई रुई निकाल के तो पुरानी भर देते हैं। और आप माशाल्लाह सियाने बयाने आदमी है, पुरानी रुई का तो वो हाल हुआ होता है जेड़ा ताडे इस चूहे एंकर दा कोट च वड़ के होंदे। देख ले, जब से आप गई हैं टेलीविजन देखने का मजा नहीं आता, वो पर्सनैलिटी चली गई वहां से। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, मैं माफी चाहती हूँ पिछली जुगत की। जो आपने बात की है ये लाखों लोग मुझे मैसेज के जरिए कह रहे हैं कि जब से आप गई हैं बाखुदा में तो टीवी देखने को जी नहीं चाह रहा। अच्छा ये देखियो, मतलब सुहेल अहमद साहब अगे इन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू का किरदार निभाया सी, मैं वो वीडियो देखी। मतलब इन्ना गेटअप इन्ना घेंट लेंदे है ना, फिजिकली गेटअप तो लेंदे है पूरी पूरी डिटो। ਹੁਣ ਇਹ ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਫਿੱਟ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਮਾਈਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਪਏ ਆ। ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭਾਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹੀ ਸਟਾਈਲ ਏਦਾਂ ਮਾਰਨਾ ਏਦਾਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। टिकटॉक पे इजहारे गम कर रहे हैं, अक्सर को मैंने सुना है मेनू चढ़ गए निहाल अज खुशियां दे नाल। तेन शर्म तो नहीं आती जुनैद? प्रोफेसर अमीन जुनैद साहब का जवाई हो कि गैर इस्लामी जुगतम कर। गैर इस्लामी जुगतम आप भी तो देखे ना, कौन सी निजी मसरूफियात बता रही है। नहीं तो इससे बड़ी निजी मसरूफियत और क्या होती है एक औरत के लिए? रजाइयां भरवानी है, फिर मैंने अपने घर में रंग रोगन करवाना था। रंग रोगन आपने करना है? ओए मैंने तो नहीं करना, मगर मैंने रंग साज से बात की, मैंने कहा कितने पैसे लोगे? कहता जी 2 लाख रुपया। मैं क्या काका कहता 2 लाख? कहते जी नाल एक मुंडा ले आना है जिन्हें पौड़ी फड़नी होंगी। मैं क्या तू कला ही करते लख देंगी पौड़ी मैं फड़ लग। रंग साज की पौड़ी फड़न वास्ते मैं इस्तीफा देता और कोई ऐसी बात नहीं। अल्लाह के फजल से देखे खान साहब तो मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतना एतमाद करते हैं,
वो मुझे जो भी ड्यूटी कहेंगे मैं फौरन उस पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन अभी तक ड्यूटी कह नहीं रहे इमरान खान साहब आपको। जुनैद साहब उनको बताया जो है मैंने कि मेरी मसरूफियात है इमरान खान साहब, मैं वो खत्म कर लूं। जैसे आपका ऑर्डर होगा मेरी, देखें ये पार्टी है, मैं तहरीक इंसाफ की हूँ, तहरीक इंसाफ मेरी है, मैंने और कहां जाना है। लेकिन एक तरफ आप कह रही है कि जी खान साहब मुझे कह रहे हैं वजारत बहबूद आबादी ले लो, कभी आप कहते हैं कि मुझे वो वफाक में इंफॉर्मेशन की जिम्मेदारी दे रहे हैं। गल उन्होंने रंग साज वाली गल तो पहले कही सी। फिर मैं जो पौड़ी दिया हम जिम्मेदारी उन्होंने दसी है तो फिर उन्होंने कहा चलो कोई गल। अच्छा। लेकिन आप पीटीआई को अपना घर कहती हैं, आप कहती हैं कि यहाँ के लोग मुझसे प्यार करते हैं, आप पीटीआई से गई और पीटीआई के लोगों ने मिठाई तकसीम की है। दे छोटी बूंदी दे दानिश वाले कितने मिठाई तकसीम हुई है मैं दसे ना जरा। उतरिया पांच सात तैवा तेरे अर्गियां लगन ते फिर इना को पतीसा बन कि तेन मिठियाई याद। जुनैद साहब लोगों ने बाखुदा खून के आंसू निकाल लिए, लोगों ने कहा है कि फिरदौस साहिबा जब से आप गई है ना सियासत की रौनक खत्म हो। आपा छोड़ो इन बातों को, अगर आप खान साहब के लिए इतनी अहम है तो आपको पंजाब असेंबली के बाहर रोका क्यों? तो पंजाब असेंबली के अंदर खान साहब बैठे या जिन्हें रोकिया वर्दी पा के खान साहब खलोते। अगर पंजाब असेंबली में खान साहब खुद बैठे होते तो खुद गेट पे रिसीव करने आते हार लेके। अल्लाह की खैर करे। जुनैद आप माशाल्लाह खुद बड़े दानिश्वर आदमी हैं। मैं कहना ये चाहती हूँ, पहली बात तो ये है कि मुझे असेंबली पे किसी ने नहीं रोका। कि तेज निकली है तेरी। लगता कुकड़ते किसी का पैर आ गया। मेरी हाँ इसलिए निकली है कि पूरी कौम ने सुना है आपकी वीडियो इतनी वायरल हुई है, आपको बड़ी बदतमीजी के साथ बदतहजीबी के साथ असेंबली के गेट पे रोका गया, आपकी गुफ्तगू नशर हो गई है। सदिया आपका को रोका गया असेंबली? हाँ सारी कौम ये कह रही है किसी को सुनी नहीं सकते। लेकिन शौक से सुने सबने। देखिए मेरी बात सुने जुनैद साहब, मुझे किसी ने नहीं रोका, मुझे वो आदमी जो थे ना जी जो गेट पे खड़े वो मोहब्बत के साथ बातें मेरे साथ कर रहे थे, रोका नहीं है उन्होंने। जाने दे, देखे सबने सुना है आप उनको कह रही थी पुत्र लिस्ट से देख ले, लिस्ट से देख ले। मैं आपको लिस्ट का भी बताती हूँ, असल में वो लड़के जो है ना उनकी नई ड्यूटी उधर लगी थी, पता नहीं थी। वो मुझसे कह रहे थे कि आप ही का इंतजार कर रहे थे, आपको सेल्फी बनवाने के बगैर अंदर नहीं जाने दे। लिस्ट किस चीज की फिर दिखा रही थी? मैं वही उनसे कह रही थी कि पुत्र मैं हूं कि किदे खिंचवावा सेल्फिया, लिस्ट ते वेख के नहीं लगी। हर बंदा हूं मेरे ना सेल्फी खिंचवाना चाहता है। हर सियासत का जो स्टूडेंट है वो चाहता है कि एक बड़ी पॉलिटिशियन के साथ अगर हमारी सेल्फी बन जाए। ऑटोग्राफ भी मांग रहे होंगे आप? ऑटोग्राफ भी मांग रहे थे वो, वही तो ओए होए और कागज कादली चुकी फिरते ऑटोग्राफ वास्ते ही तो बेचारे पेन ते कागज फड़ के खलोते। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਬੇਟਾ ਦੂਸਰੀ ਚ ਵੇਖ ਲੈ। ਇਹ ਆਹੋ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ, ਤੌਬਾ ਟਹਿਰ ਥਲੇ ਕੇਲਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। तो दूसरी लिस्ट में यही कह रही थी कि कोई एक लिस्ट होवे ते तां है ना दूजी वे तीजी वे, हर बंदे ने लैन लाई एक खुदा के लिए ऑटोग्राफ दे दे हमारे साथ सेल्फी खिंचवा ले। देखे एक पॉपुलैरिटी भी होती है एक शख्सियत। आपको अंदर ही नहीं जाने दे रहे थे वो लोग। भाई हाय अंदर केड़ी अग लगी सी पोनी संडा हुंदा शोख ऐवान के अंदर वो सुबाई असेंबली अपने ओहदे का हलफ उठा रहे थे जिनके बारे में आपा का दावा ये है कि उनको मैंने जिताया है, हालांकि उन लोगों का दावा यह है कि हमने पीटीआई से यह कहा था कि अगर आप ये सीट जीतना चाहते हैं तो आपा को हमारे हलके में ना आने देना। जुनैद साहब सारी दुनिया ये जानती है कि वहां से सीट किसने जितवाई है। अब अगर आप मेरे दिल की बात सुननी चाहते हैं ना तो फिर सुने जी, ये जो असेंबली के दरवाजे के आगे भड्डा हुआ है ये उसी जीत का शाखसाना है। सबको मालूम है कि वो एहसन बरियाल जो हैं वो काफ लीग के बंदे थे। मैंने काफ लीग से तोड़ के उनको पीटीआई में शामिल किया, फिर ऊपर से सोने पे सुहागा ये कि उधर से उनको जितवाया। अब देखें चौधरी साहिबान जो हैं वो बड़े मोजज आदमी हैं हमारे मुल्क के, बड़े पॉलिटिशियन हैं, उनको ये इतनी मामूली सी हरकत नहीं करनी चाहिए थी।
उन्होंने गुस्सा निकाला, उनको पता है कि फिरदौस आशिक अवान ने हमारा बंदा तोड़ लिया, ऊपर से उसको सीट भी दिलवा दी, तो उन्होंने ये मेरे साथ किया है। वो जो लड़के जो थे वो बेचारे तो बाद में मुझसे माफिया मांगते रहे, वो कहते ने तुहानू की दसीए, सारी असम्बली के मैंबरान बेचारे अंदर कहते रहे असम्बली तां सजदी जे आवे फिरदौस आपां। डॉक्टर साहब आपको इलेक्शन जीतने के बाद बरियार साहब ने बाकायदा अपना वीडियो बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई हमारी फतह का क्रेडिट ना ले, हम खुद जीते हैं। साहब वो कोई और बात कर रहे हैं, उस पे इन्होंने डबिंग करवाई। डबिंग करवाई सारा झूठ है, मैं आपको बता रही हूँ ना, ऐसी कोई बात नहीं। आवाज और भरी है? हाँ वो किसी और की आवाज है, सलीम भाई की तो आवाज ही नहीं है। सलीम बरियाल साहब को मुझसे ज्यादा कौन जानता है, भाई है अपने मेरे, हर वक्त रابطے में रहते हैं। आज भी उन्होंने मुझे जुमा मुबारक का मैसेज किया। डॉक्टर साहब आजकल आपकी मसरूफियत क्या है? बताया तो है, घर में रंग करवा रही है। अभी तो मैं रंग का गैलन लेने के लिए निकली थी तो रास्ते में जुनैद भाई का फोन आ गया कि इधर आ जाए जरा, तो मैं आ गई हूँ। नहीं यकीन तो जाके मेरी गड्डी की डिग्गी में देख ले, अभी भी रेग मार और बुरश पड़े हुए। फिर ये रंग वाली चीजें घर पहुंचा के तो मैंने रजाइयों वालों की तरफ जाना है। अच्छा रजाइयां नहीं अभी भरवाई? पुत्र रोज दिया दो पर दए कठिया नहीं पर दवांदा, हुन तुहाडे को वजारत कोई नहीं ते हुन का दिया कठिया। अभी तो किचन के बड़े काम पड़े हुए, ग्राइंडर की नई तार डलवानी है, चिट्ठी गई हुई है, उसके बाद फ्रिज का भी जो नीचे वाला टॉप है वो टूट गया, वो ठीक करवाने कॉकरोच अंदर चले जाते हैं, इस्त्री का जो हैंडल होता है वो लड़कों ने हिला दिया हुआ है, वो ठीक करवा भी बस बाजी उड़े हुए काम करने ने सियासत वालों तो वेले हो गए। नहीं काका सियासी मसरूफियत भी साथ साथ ही, जाके नेके पूरे वेखो तो सही, अगलिया ने बैनर लुआए ने, हम गली का डक्का खुलवाने पे डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब का शुक्रिया अदा कर। फिर अल्लाह के फजल से 9 नंबर गली का बल्ब फ्यूज हुआ हुआ था, वो बदलवाए और फिर रात को उसको जलाने के लिए उसका इफ्तिताह भी किया। हराइया में वाटर फिल्टर की एक टूटी लीक करती थी, उसके ऊपर टेप चढ़वा के आई। तो इसका बैनर नहीं लगवाया आपने? यार बैनर कौन से, इस कागज पे मसवाक से लिख के लोगों ने लगाया। वैसे जुनैद साहब आपको तो थोड़ी बहुत हया कर दीजिए, मुझे इतना अफसोस हो रहा है आपकी बर्खास्त। तेनू कादा अफसोस है भी, तू होर गुलाबी होया है, तेनू कादियां अफसोसियां चढ़ियां ने। डॉक्टर साहब आप मेरी फेवरेट पॉलिटिशियन है। नहीं फेवरेटिज्म नजर आ रहा है तुम्हारी, बादशाह तेरियां खिल खिल जान। पापा जी पीटीआई आपकी पार्टी तो है बिल्कुल, वो सारे शजरकारी कर रहे हैं, तो आप जितनी देर सियासत से फारिग हैं आप दरख्त लगा लें। बस क्या बताऊं गौरी साहब, ये चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं। डीसी को मैंने फोन किया, मैंने कहा मेरे इलाके में दरख्त लग जाएंगे, मुझे कोई दरख्त ही भेज दो। ते उत्तर ने 15-20 मसवाका भेज दी। मैं की भेजती है नी मसवाका, मसवाका नहीं कलमा ने। मैं क्या मैं तेन बूटे कहा सी, कहिंदे इनू जमीन च लाओ ते भी फुट पैणगियां, दंदां च ना ना फेरना दातना। वैसे आपा ये जो कुछ आपके साथ हुआ है ना, ये जो मंदो खेल साहब को आपने थप्पड़ मारा ना टॉक शो में, ये उसकी बद्दुआ लगी आपको? ओए होए ओदी कादी बद्दुआ, वो बड़ा टोला ते धमाला पांदा फिरदे, बड़ा उधर नलायक स्टेनोग्राफर का मुंह। अच्छा आपा वैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि आप पार्टी बदलने पर भी गौर कर रही हैं। पुत्र मैं की पार्टी बदलनी है, मैं तो जदों दी निकली हूं मैं कपड़े नहीं बदले। जिहड़े कंट्रोवर्शियल रहिंदे आ हना, जिन्हां दी कोई ना कोई गल होई हुंदी है जां जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हुंदे आ उन्हां नूं चकदे आ, जिवें हुण इन्हां ने पॉलिटिक्स दी विच वी गल कीती ते विच विच ओह जिहड़े आचार्याने बैठे इन्हां दे जुगतां वी मार जांदे आ, ते होस्ट भी जिहड़े आ काफ़ी अच्छा काम करदे आ हना। हाँ जी वधिया, मतलब बहुत सस आया शुरू तो लैके एंड तक, वधिया खुद भी हसदे, मतलब अच्छा लगता है। सुहेल अहमद साहब पूरा करैक्टर दे विच ना चले जांदे जांदे है भी, हां वेख लै मतलब इदा इशारे कर रहे जिवे वाकई वो लेडी सामने बैठी हुई है ते ओदा गुस्सा जेड़ा अंदर भड़ास है वो सारी कढ रहे है। हां वी ओ मतलब ओनु अस्तीफा देना पिया, ओनु कढ़ता पार्टी चो ते ओ अपनी भड़ास कट रही है।
हमेशा ट्रेंडिंग टॉपिक्स लेंदे आ ते पॉलिटिक्स नाल रिलेटेड जां होर दुनिया च दुनिया दे हालात की है उहदे बारे भी जिहड़ी इदां दीआं वीडियोज़ बणाउंदे आ। सो मज़ा आउंदा इहनां दी वीडियो देख के तुहानूं कदल कि सानूं नीचे कमेंट करके जरूर दस्सिओ। जाण तों पहलां अपने चैनल कर लो सबसक्राइब एंड होर किहड़ी हसबे हाल दी वीडियो ते रिएक्शन करिए कमेंट डाउन बिलो। मिलते हैं आपको हम किसी और वीडियो में, तब तक हमें दें इजाज़त। सत श्री अकाल ते चक्के रखो इदां ही।